हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। जी, ये मेरा न्यू चैनल है। बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि ये मेरा न्यू चैनल है जो मैंने हिंदी और उर्दू रीडिंग्स के लिए आप सब लोगों के लिए बनाया है। तो ये इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हिंदी और उर्दू में रीडिंग्स हुआ करेंगी। पिक अ कार्ड और ज़ोडियक साइंस की रीडिंग भी मैं लेके आया करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि मैंने ये नया चैनल बना लिया है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को देखिए और फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। अब सारी हिंदी और उर्दू की रीडिंग्स इसी चैनल पे हुआ करेंगी, ठीक है। तो आपके सामने आज पिक अ कार्ड रीडिंग है और आपके लिए मैसेज ये है आज इस पिक अ कार्ड रीडिंग में कि आपको क्या गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में मिलने वाली हैं, कौन सी ऐसी खुशखबरी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलेगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो वो जानना चाहते हैं कि आपको लव में, कैरियर में, ब्लेसिंग्स, जॉब, घर में क्या, या ट्रैवल, या बिजनेस, या हेल्थ में ऐसी क्या गुड न्यूज़ है या खुशखबरी है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 1, 2, 3। तो अपनी मर्जी से पसंदीदा कार्ड चूज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, फिर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो अपनी मर्जी से कार्ड चूज़ कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल उस घंटी को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ताकि जब भी रीडिंग हिंदी में अपलोड हो, क्योंकि अब इस चैनल पे हिंदी में और उर्दू में ही हुआ करेंगी, तो आप उसी वक्त इस चैनल को देखें और उसी वक्त उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, ठीक है। देखते हैं आपको बहुत जल्द कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। तो सबसे पहले इसी पे एक मैसेज है, उस पे देख लेते हैं। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ओके, इसका मतलब यह है कि वो आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर देखो क्या आपके अंदर चल रहा है और क्या ऐसी चीज़ है जो शायद आप अवॉइड कर रहे हैं और आपको नहीं करनी चाहिए और अपने ऊपर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अब आपके लिए क्या है टैरोट से और इन सब उसमें। हमारे पास है अवेयरनेस नंबर 1, मैजिशियन, फिर हमारे पास स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2, 2 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या जेमिनी या वीरगो, फिर हमारे पास कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हमारे पास है डिसेप्शन एंड इनवाय, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इस वाले कार्ड से हमारे पास योगा, योर लाइफ इज एन्चेंटेड बाय योगा, स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सरसाइजिंग, ओके, फ्रॉम रोमांस एंजल्स, गेटिंग टू नो ईच अदर, रिट्रीट। और इन वाले दो ऑरेकल से देख लेते हैं क्या है हमारे पास। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, और हमारे पास है वेल, ग्रेट वे ओवर, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ओके। तो आपको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यहाँ पे इस वक्त, ठीक है। मुझे लगता है आप बहुत जल्द इस टेंशन से निकलने वाले हैं। अगर आपको किसी तरह का कन्फ्लिक्ट था, यूनियन आपकी नहीं हो रही थी, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा, और ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो हो सकता है आपको आपका रिलेशनशिप था किसी से, ठीक है, और उस पार्टनर ने आपसे कम्युनिकेट कर नहीं कर रहा या आपको बता नहीं रहा कि क्या फील करता है, या आप में कम्युनिकेशन नहीं चल रहा और आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और अब आप दोनों एक दूसरे से कभी भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे डिसेप्टिव था या बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं था, उसने झूठ बोला आपसे या कम्युनिकेशन नहीं किया, या कोई जेलस था आपके कनेक्शन से, उन्होंने आप लोगों के दरमियान में ये आग लगा दी या रिलेशनशिप को जो है वो अलहदा कर दिया, ठीक है। सो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई और आप लोगों के बीच में आ गया और शामिल हो गया, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि आप ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो ये जो आपकी परेशानी है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। एक तो सबसे पहली चीज़ आपको ये मिलने वाली है कि आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है उस पार्टनर से, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है यूनिकॉर्न, इसका मतलब ये है यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उसका मकसद यही है कि आपको इंट्यूशन पर फॉलो करना चाहिए। इस टेंशन में, जब आप टेंशन में होंगे तो
ऑब्वियसली आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर सके. आप जब टेंशन में होते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप एक डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं. तो अपने माइंड को रिलैक्स रखिए और डिसीजन लीजिए. और शायद यही कार्ड आपका फर्स्ट वाला कार्ड ही बता रहा था कि लुक इनसाइड योरसेल्फ, मतलब अपने अंदर देखो क्या चल रहा है और अपने आप को रिलैक्स करो और फिर डिसीजन लो कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है. सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, किसी दूसरे के मशवरे मत मांगो, किसी दूसरे के मशवरे मत लो, ना किसी फ्रेंड से. हो सकता है वो जेलस हों, वो ना चाहते हों कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, या आपकी फैमिलीज नहीं चाहती. फिर हमारे पास अवेयरनेस, अपने दिमाग की सुनो. जो आपको अपना दिमाग कह रहा है ना वही करो. आपका दिमाग जो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहा है वही करो. नंबर वन, एक अपनी सुनो, ठीक है, अपने अपने दिमाग की चुनो, अपने दिमाग अपने दिल की सुनो. और अवेयरनेस का मतलब भी यही है, स्पिरिचुअल यूनियन. तो अगर आपको लव का इंतजार है तो आपकी डेफिनेटली लव में बहुत जल्द आपको लाइफ में लव मिलने वाला है, अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है. तो आपकी, क्योंकि वन का मतलब सिंगल है, तो अगर आप सिंगल हैं तो आप जल्दी से सिंगल से मिंगल होने वाले हैं. वन से टू तो आपको डेफिनेटली एक लव ऑफर मिलने वाली है, या किसी से आप मिलने वाले हैं बहुत जल्द, जो आप जिसको आप लाइक करेंगे, जिससे आप बात करना चाहेंगे, जिससे आप अट्रैक्ट होंगे, ठीक है. या ये रिलेशनशिप हो सकता है, या लव भी हो सकता है, या किसी के साथ फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है. ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है. तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी कीजिए, ठीक है. ये आपके लिए मैसेज है. और दूसरा, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा. अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा तो बहुत जल्द ये आपको वो कम्युनिकेशन मिलेगा और आपकी ये जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, यूनियन होगी या रिकन्सिलिएशन होगी. लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. और ये योगा का मतलब भी यही है. कुछ लोग, मुझे लगता है, योगा में पार्ट लेंगे, या योगा आप करना चाहते हैं, या योगा में एडमिशन लेंगे, या कोर्स करेंगे योगा का, या आप ऑलरेडी योगा कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए. और आपको करना भी चाहिए रिट्रीट. इसका मतलब ये है कि दुनिया से बिल्कुल अलग के, कट होके थोड़ी देर योगा कीजिए. जहाँ पे भी आपको नेचर में टाइम मिलता है, या घर में टाइम मिलता है, या कहीं पे भी आप कर सकते हैं. थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, क्योंकि आप लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में है. आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और नेगेटिव सोचते हैं. तो आपको अपने आप को हील करना है और इस योगा के इससे में पार्ट लेना है और करना है अपने लिए. फिर उसके बाद है गेटिंग टू नो ईच अदर. जैसे मैंने कहा, कुछ लोग अपने न्यू लोगों से मिलेंगे, हो सकता है आपकी न्यू फ्रेंडशिप्स बनाएंगे, किसी के साथ अट्रैक्ट होंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, या किसी इवेंट में जाएंगे. तो हो सकता है आप वहाँ पे किसी से अट्रैक्ट हो और किसी से बात करना चाहें, और कोई आपसे बात करना चाहे, ठीक है. तो लव इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में लव आ रहा है. अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आप रिलेशनशिप में होंगे, या किसी के साथ आप फ्रेंडशिप में होंगे, या पार्टनरशिप में होंगे, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है. और मुझे नज़र आ रहा है आप लोग हील करेंगे. जो लोग टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वो हील करेंगे, इस टेंशन से निकलेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे. और अपने इंट्यूशंस को सुनिए जो आपको बता रहे हैं, और उसी पे फॉलो कीजिए. लोगों की मत सुनिए और वही करिए जो आपको सही लगता है, ठीक है. तो आप लोगों के लिए बहुत ग्रेट चांसेस हैं लाइफ में कुछ क्रिएट करने के, अपने लिए और दूसरों के लिए भी, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टैरोट से देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या मजीद जो है वो चेंज आने वाले हैं, जिन्होंने ऑप्शन नंबर वन चूज़ किया है. देख लेते हैं आपके लिए क्या है टैरोट में, ठीक है. टैरोट से भी देख लेते हैं ना आपके लिए क्या आ रहा है. नाइन ऑफ सोर्ड्स. ओ माय गॉड, आप लोग इतनी टेंशन लेते हो, एयर साइन, या आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो. आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हो और बहुत टेंशन लेते हो. इस चीज़ से निकलो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो. ये टेंशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द. लेकिन अपने ऊपर खुद भी थोड़ी सी तवज्जो दो. ऊपर से गॉड आके तो आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपने खुद भी कुछ अपने लिए करना है. पेज ऑफ पेंटिकल्स. अगर आपको पैसे की टेंशन है, या आपको किसी जॉब की टेंशन है, या आपको किसी पैसे की टेंशन है, या घर की टेंशन है, तो वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी. थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स करो, और थोड़ा सा ओपन माइंड हो जाओ, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल लो. पेज ऑफ पेंटिकल्स. अगर आपको किसी की ऑफ़र का इंतज़ार है तो वो भी आपको ऑफ़र मिलेगी पेज ऑफ पेंटिकल्स से. और अगर आपको किसी की माफ़ी का इंतज़ार है, किसी ने आपको चीट किया, या आपसे धोखा किया, या आपको झूठ बोला, तो वो भी आपसे माफ़ी मांगेगा. थोड़ा सा टाइम तो दो. सब कुछ एक जल्दी नहीं हो जाएगा. आपको तो लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है. एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ आपकी रीडिंग के लिए. सिक्स सोर्ड्स. आपको डेफिनेट, जैसे मैंने कहा, निकल जाओगे इस टेंशन से. आपको निकलना चाहिए इस टेंशन से. ये बहुत डार्क कार्ड है, ये बहुत अंधेरा कार्ड है, डार्क कार्ड है, आपको बहुत टेंशन दे रहा है. इस चीज़ से निकलो और रिलैक्स हो जाओ. सिक्स सोर्ड्स. अपने लिए खुद थोड़ी सी मेहनत करो, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दो. पेज ऑफ पेंटिकल्स. अपना ख्याल रखो. आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप खुद होने चाहिए, ना कि कोई और. तो जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आप खुद खुश रहेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे. और आपको रिलैक्स रहना चाहिए. अगर आपको माफ़ी का इंतज़ार है
है, वेट है किसी कम्युनिकेशन का, तो मिलेगा। और अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं या सफ़र करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी के लिहाज से या जॉब के लिहाज से, तो वो भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा सब्र करो और थोड़ा सा इस टेंशन से निकलो। इतनी टेंशन ली हुई आपने तो लगता है आसमान सर पर उठाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग, ये आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द। अपॉलोजी, माफ़ी अगर किसी ने मांगनी है तो वो मांगेंगे, आपको ऑफ़र भी मिलेगी, जॉब की ऑफ़र भी मिलेगी, अच्छी चीज़ भी मिलेगी, हो सकता है किसी से गिफ्ट भी मिले आपको। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब मैसेज भी है, आपको मैसेज भी मिल सकता है जिसका आपको इतना शिद्दत से इंतज़ार है, या लव ऑफ़र भी है आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स रहो, थोड़ा सा देर है, अपने ऊपर फोकस करो, उसके बाद जाके ये सब कुछ आपकी लाइफ में वो मिलेगा जो आपको इंतज़ार है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है, आपको क्या बहुत जल्द गुड न्यूज़ और क्या आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले इसी कार्ड को पढ़ते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वट फील्स राइट। तो वो आपसे कहना चाहते हैं अपनी आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। आपको खुद पता है आपका दिल, जो आपका दिल कहता है सिर्फ उसी की सुनिए, जो आपको सही लगता है वही करो। ठीक है, ये आपके कार्ड का पहला मैसेज है आपकी रीडिंग का। ओके, सो अब देख लेते हैं आपके पास और क्या है रीडिंग में। हमारे पास है रेस्ट एंड रिज्यूवनेस नंबर 4। तो हो सकता है आप एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ट्रायम्फ सक्सेस एस ऑफ सोर्ड्स नंबर 1, बिल्कुल एयर साइन, दोनों एयर साइन भी हो सकते हैं आप। फिर हमारे पास नंबर 9 सॉलिट्यूड विरगो, चूज वाइजली। 7 ऑफ कप्स पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो आपका साइन हो सकता है या उनका। ठीक है, फिर हमारे पास है लाइट एंड लव, योर पर्पज इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। Healing family issues, separation, time apart from your partner is on the horizon. इन वाले oracle से देख लेते हैं। हमारे पास है bear, danger, especially in money matters. फिर हमारे पास है quill, get back to the basics. Okay, तो मुझे लगता है आपके सबसे पहले तो आपको rest करना चाहिए। अगर आपका किसी के साथ separation हुआ है या breakup हुआ है या आप किसी से दूर हैं, ठीक है, और आप दोनों का हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, ठीक है, बच्चों का इश्यूज़ हो, हस्बैंड और वाइफ का इश्यूज़ हो, या उनकी फैमिली नहीं मानती या आपकी फैमिली नहीं मानती, उनकी वजह से ये सेपरेशन हुआ, या आपके फ्रेंड्स की वजह से या उनके फ्रेंड्स की वजह से, लोगों की वजह से हुआ, या कोई रीज़न नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर आपका सेपरेशन हुआ या किसी और वजह से भी है कि अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा पार्टनर की तरफ से, तो आपको सबसे पहले मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप रेस्ट करो, ठीक है, मेडिटेट करो, योगा करो, अपने ऊपर फोकस करो, दुआ मांगो और अपने आप को हील करने की कोशिश करो। योगा, मेडिटेशंस, लाइट एंड लव, इसका मतलब भी यही है। और दुआ मांगो गॉड से, क्योंकि आपका मकसद ही, पर्पज ही, आप हो सकता है बहुत लाइट वर्कर हो, आप बहुत सेंसिटिव हो इमोशनली, तो आप हर चीज़ दिल पे ले जाते हो, तो इसलिए शायद आपको मैसेज दिया जा रहा है कि हर चीज़ दिल पे लेने के लिए नहीं होती है। लाइफ में बहुत बड़े टफ टफ लेसन और बहुत मुश्किल हालात आते हैं, हर वक्त ये नहीं होता कि हम बस यही आखिरी बस है और उसके बाद ख़त्म है सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो शायद इसलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि वही चीज़ करो जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आपके दिल को पता है कि आपके लिए क्या ठीक है, और वही डिसीजन लो, चूज़ वाइजली। तो सोच समझ के फैसला लो कि कहाँ जाना है, किसको चूज़ करना है, किसके साथ रहना है, और लाइफ में क्या अबंडेंस लानी है, कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक है, कौन सा करियर आपके लिए ठीक है, और कौन सी, आपके दिल को पता है, आपको खुद को पता है, ठीक है, किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपनी सुनिए और अपने दिल की सुनिए। हो सकता है आपकी फैमिली बहुत प्रेशर डाल रही हो कि ये करो वो करो, या इससे रिश्ता ना रखो, इससे ये करो, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो किसी की मत सुनिए, अपने लिए इंडिपेंडेंस पैदा कीजिए, अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कीजिए कि आप अपने एक्शन खुद ले सकें। फिर है हमारे पास सॉलिट्यूड, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है आप काफ़ी अरसे से अलोन हैं, सिंगल हैं, कुछ लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको शायद इंतजार है कि आपकी लाइफ में कोई आए, लेकिन आप फैमिली इश्यूज़ में इतना घिरे हुए हैं या पैसों के इश्यूज़ में इतना घिरे हुए हैं, या तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि पत्नी कभी किसी के साथ रिलेशनशिप मिलेगा भी सही या आपको नहीं, या अगर आपने कभी रिलेशनशिप रखा भी सही तो आपको हमेशा सेपरेशन ही मिली, ठीक है, जुदाई ही मिली, कभी किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक लव नहीं हुआ। लेकिन बहुत जल्द आपको, अगर आपको किसी के कम्युनिकेशन का वेट है, तो बहुत जल्द आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगा, विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और अगर आपको इंतज़ार है किसी जॉब का, तब भी
आपको मुझे लगता है सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपने कौन सी जॉब चूज़ करनी है। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों जॉब के लिए कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ भी जाऊँ, मैं वहाँ भी जाऊँ, लेकिन डिसीजन आपने वही लेना है जो आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। और ये भी इसका भी यही मतलब है, इस कार्ड से भी यही मतलब है, अपने दिमाग को बिल्कुल सही रखो, अपना डिसीजन खुद लो, जो आपको सही लगता है वही डिसीजन लो और अपने लाइफ को खुद क्रिएट करो। सक्सेस अपनी लाइफ में आप खुद क्रिएट करोगे, किसी और के कहने से या किसी और के सुनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आप एक लाइट वर्कर हों, आप किसी तरह मेडिटेशन में हों, योगा में हों, मेडिकल फील्ड में हों, फूड फील्ड में हों, बैंकिंग में हों, टीचिंग में हों, तो हो सकता है आपको जो खुद अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना या स्टडी करना, या खुद स्टडी करना चाहते हैं आप, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है अपना एक्शन खुद लो। फिर है उसके बाद बेयर, तो हो सकता है मनी के इश्यूज़ में आपको खतरा हो, डेंजर हो, आपको काफ़ी स्ट्रांग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है पैसों के मामले में, हालात में, हो सकता है आपकी फैमिली इस चीज़ के अगेंस्ट है या किसी ने पैसा उधार लिया आपसे वो वापस नहीं दे रहा, तो काफ़ी इश्यूज़ हैं मनी के लिहाज से। गेट बैक टू द बेसिस, तो ये मैसेज बहुत ही क्लियर है कि अपनी बेसिक्स की तरफ आ जाओ, कि बेसिक्स क्या होती है, हमारी बेसिक्स नीड्स क्या होती हैं, जो हमें चाहिए होता है रहने खाने पीने के लिए, और हमें उसके लिए और क्या चाहिए होता है। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं फिर हम फोकस करते हैं लाइफ पे। तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हैं लाइफ में, आपके पास करियर भी है, अच्छा घर भी है, अच्छी जॉब भी है, अच्छा खाना पीना भी है, कपड़े पहनना भी है, और फैमिली इश्यूज़ भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर फोकस करो लाइफ पे। और अगर ये चीज़ें ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं तो पहले इन चीज़ों को सॉल्व करो, इन इश्यूज़ को सॉल्व करो, फिर लव की तरफ ध्यान दो। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, मतलब आप बहुत सोचते हो, हर वक्त नेगेटिव, हर वक्त मतलब टेंशन में रहना, पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे मिलेगा, पता नहीं कब होगा। तो अपने दिमाग को जो है वो रिलैक्स रखो, यही वो शायद आपसे कहना चाहते हैं। टेंशन लेंगे तो शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा, हालात से लड़ने का मुकाबला करें। तो देख लेते हैं टैरोट से कि आपके लिए क्या मैसेज है लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर आपके लिए यही है, कम्युनिकेशन मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, जॉब पे फोकस कीजिए, और अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सोच समझ के फैसला लीजिए जो भी करना है आपने। तो देख लेते हैं आपके लिए टैरोट से क्या है। द वर्ल्ड, वाओ, तो आप टॉरस, एक्वेरियस, लियो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे। द वर्ल्ड, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली, जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ आ रही है। ट्रैवल होगा, अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए आपका ये लाइफ का साइकिल कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आप किसी से तलाक लेना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह के फिजिकल या टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो उस चीज़ से भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। द वर्ल्ड, और अगर आपके कोई बच्चों के इश्यूज़ हैं या आपकी फैमिली या ससुराल के इश्यूज़ हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा, चूज़ वाइजली कि क्या करना है। फिर उसी डिसीजन से आपको आज़ादी मिलेगी, उसी डिसीजन से आपको फ्रीडम मिलेगा, उसी डिसीजन से आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। द वर्ल्ड, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, चेंज हो जाएगा, इस चीज़ से आप निकलेंगे, इस टेंशन से आप निकलेंगे बहुत जल्द। जस्टिस, लिब्रा, बिल्कुल, तो कुछ लोग, हो सकता है आप अगर शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी भी होगी, ठीक है। अगर आपको शादी का इंतज़ार है और आप सिंगल रह रह के तंग आ चुके हैं और आपको लगता है पत्नी कब शादी होगी, होगी कि भी नहीं, और शायद हो सकता है आप किसी को लाइक करते हो और आपकी फैमिली ना मान रही हो, तो वो मान जाएगी। जस्टिस का मतलब भी यही है कि हो सकता है आपका रिश्ता आउट ऑफ कास्ट हो, या आउट ऑफ रिलीजन, या आउट ऑफ कंट्री हो, या सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ कास्ट मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहा है। जस्टिस, तो लिब्रा, ठीक है, आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको मैसेज मिलेगा, आपके साथ फेयर होगा, और आपको भी फेयर डिसीजन लेना चाहिए जो आपके लिए सही है। दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, लॉजिक से सोचो जो आपके लिए क्या ठीक होगा। लवर्स, तीन मेजर अरखाना, तीन कार्ड और तीन मेजर अरखाना, लवर्स, ओके। जेमिनी, जेमिनी, लिब्रा और इसमें एक्वेरियस भी है, तो एयर साइन तो स्ट्रांगली है यहाँ पे। लवर्स, तो आपको हो सकता है आपको अपना ट्विन फ्लेम मिले या सोलमेट मिले। अगर आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ हैं तो उसके साथ आपको यूनियन मिलेगी, ठीक है। आप दोनों ज़रूर एक होंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटेंशनों से निकलिए। और अगर आपको कम्युनिकेशन का वेट है तब भी कम्युनिकेशन मिलेगा अपने लवर से, और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आप अपने लवर से मिलने वाले हैं, कम्युनिकेशन मिलेगा आपको, या आप किसी से ऐसे, या हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो, लवर्स और जस्टिस, ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग अपनी शादी को
से निकलेंगे, कमिटमेंट से निकलेंगे, रिलेशनशिप से सेपरेट होंगे, क्योंकि आपको अब वो लव नहीं रहा जो पहले शायद था, मतलब वो फीलिंग्स नहीं रही. तो डिसीजन वही लीजिए जो आपके लिए सही है, जो आपको बेस्ट लगेगा, और तभी जाके आपको वो खुशी मिलेगी. ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए. मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में. बाय. हेलो ग्रुप नंबर 3, कार्ड नंबर 3, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या है. ओनली टाइम विल टेल. ओके, तो आपके सारे सवालों का जवाब जो भी आप शायद जानना चाहते हैं, वर्क के लिहाज से, लव के लिहाज से, मनी के लिहाज से, जो भी, वो आपका मैसेज एक ही बात में है, ओनली टाइम विल टेल. तो मतलब जब सही टाइम होगा, परफेक्ट टाइम होगा, उसी पे आपको पता चलेगा आपके लिए क्या है. अभी शायद वो जो चीज़ आप मांग रहे हैं, दिल का मामला भी हो सकता है, रिलेशनशिप का भी हो सकता है, या पैसों का भी हो सकता है, मनी का भी हो सकता है, अभी शायद वो टाइम नहीं है जो आप मांग रहे हैं या जो आप चाहते हैं. ठीक है, अभी टाइम नहीं है, सिर्फ टाइम बताएगा. टाइम कब बताएगा? जब गॉड टाइमिंग होगी, परफेक्ट टाइमिंग होगी. अब मुझसे मत पूछना कब है, क्योंकि किसी के लिए जल्दी होगा, किसी के लिए देर से होगा. टाइम आपको सिर्फ टाइम बताएगा. सो गो विद द फ्लो, बिलीव करें ट्रस्ट पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, और खुदा पे यकीन रखें. डेफिनेटली आपको वही चीज़ मिलेगी, लेकिन टाइम पे. फिर हमारे पास विक्ट्री एंड सक्सेस. वाओ, सिक्स ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, होप, सन, लियो. द वेटिंग गेम, टू ऑफ वांड्स. ओके, लुक एट दिस. अब मैं झूठ और इससे ज़्यादा मैं क्या बात कर सकती हूँ. यहाँ पे है द वेटिंग गेम, खुद पढ़ लो कार्ड को. द वेटिंग गेम, ठीक है. ये वाला सिंबल क्या होता है? टाइम का, टिक 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 टिक, टाइम बताएगा. और ये वाला कार्ड भी आपको यही बता रहा है, ओनली टाइम विल टेल. तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको मिलेगी. होपफुल रहो, उसके लिए दुआ मांगो, ठीक है. पॉजिटिव रहो उसको लेके, उस चीज़ को, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी. लेकिन टाइम, वेटिंग गेम, पेशेंस, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, ठीक है, अपने टाइमिंग पे देंगे वो, जब टाइम सही होगा, जब आप रेडी होंगे. सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, ठीक है, नंबर 3. तो नंबर 2, 3, 17, 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. तो 3, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, अपने ऊपर यकीन रखो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले. राइटिंग, यू हील, इंस्पायर्स, टीच एंड इंटरटेन विद अदर द वर्ड्स यू राइट. ओके, सो आप, अच्छा मैं बाद में बोलूँगी. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. फिर हमारे पास ट्रस्ट. ओके ओके, तीन कार्ड्स, ट्रस्ट. द सिचुएशन इज कॉलिंग यू फॉर टू हैव फेथ. अभी ओरेकल से देख लेते हैं. हमारे पास है पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन. बिल्कुल, बहुत जल्द इस सिचुएशन से आप निकलेंगे. फिर हमारे पास टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट. वाओ, ओके, तीन कार्ड, ट्रस्ट, होप, वेटिंग गेम और टाइम. आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप दुआ मांगोगे, जिसके लिए आप पॉजिटिव रहोगे, होप रखोगे, जो जिस पे आप ट्रस्ट करोगे, यूनिवर्स पे, अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप पे, अपने लव पे. और अगर आप सिंगल हो तब भी आप ट्रस्ट करोगे कि मुझे ज़रूर मेरा पार्टनर मिलेगा, लाइफ पार्टनर, या मुझे जो चीज़ भी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी. लेकिन आपको टाइम पे मिलेगी. टाइम पे कब? जब आप खुद रेडी हो जाओगे, जब आपका माइंड, बॉडी, सोल, नंबर 3, सोलर प्लेक्सस चाक्रा, जब आपका माइंड हील होगा, बॉडी हील होगी, और आपका दिल भी हील होगा, हार्ट भी. कैसे? नंबर 3, जब आप बैलेंस में होंगे, जब आपकी तीनों चीज़ें इक्वली काम कर रही होंगी, जब आप तीनों चीज़ों में, आपको टेंशन कोई चीज़ नहीं होगी, मतलब आपको रिलैक्स होगे, आपको तीनों चीज़ों पे ट्रस्ट होगा, आपको दिमागी तौर पे भी ट्रस्ट होगा, दिली तौर पे भी आप सुकून में होगे, ट्रस्ट होगा कि आपको जो भी मिलेगा, आपको इस तरह से अंधा यकीन होगा गॉड पे और यूनिवर्स पे कि सब कुछ जो भी आएगा मेरे पास, मेरी लाइफ में, मेरी डेस्टिनी में, वो फेटेड है. जो आपको मिलने वाला है वो कहीं नहीं जाने वाला. ये होता है यकीन, जैसे कि मैं रखती हूँ. जो आपको आपकी किस्मत में मिल रखा है, जो आपको मिलना है, चाहे रिस्क है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लव है, चाहे आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपके नसीब में लिखी है, जो आपको देना है गॉड ने, वो आपको दे के रहेगा. आपके लिखा या आपकी चीज़, हिस्से की चीज़, या आपके नसीब की चीज़, या आपके डेस्टिनी की चीज़, या आपकी लक की चीज़ कोई और लेके नहीं जा सकता. आपको ही मिलेगी. लेकिन कब मिलेगी ये सिर्फ गॉड डिसाइड करता है, राइट? और अगर आपको यकीन नहीं है गॉड पे, तो मैं ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकती. उनको सिर्फ हिदायत दे सकती हूँ कि वो सिर्फ
बिलीव करें, ठीक है। सो आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को इस इक्वालिटी में लाइए, बैलेंस में लाइए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने अपनी लाइफ को बनाइए, अपने कैरियर को बनाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंट पे, ट्रस्ट पे। अगर आपको ट्रस्ट करना नहीं आता, ट्रस्ट करना सीखिए, होप करना सीखिए, खुश रहना सीखिए और यकीन करना सीखिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। तब जाके आपको वो विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हैं। बैलेंस मिलेगा, लव मिलेगा, बैलेंस लाइफ में मिलेगा और पॉपुलैरिटी, कुछ लोगों को पॉपुलैरिटी मिलेगी। आप अगर आप किसी वर्किंग फील्ड में हैं, पब्लिक आई में हैं, काम करते हैं, जहाँ पे भी, जिस प्रोफेशन में भी, हो सकता है आपको पॉपुलैरिटी मिले बहुत ज़्यादा। लोग आपसे इंस्पायर हों कि कितना पॉजिटिव बंदा है यार, कभी इसको हिला नहीं, कभी हमेशा वक्त पर यकीन रखता है, हमेशा रखता है कि इसको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं अपने ऊपर, गॉड पे, अपने लव पे, अपने रिलेशनशिप्स पे। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि आपके लिए ठीक नहीं है, तो अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है, आपको दिमाग बोल रहा है, ठीक है, और अगर आप कंफ्यूज हो, ठीक है, इस सोलर प्लेक्सिस का मतलब ये है, अगर आप कंफ्यूज हो, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ करना चाहता है, दिमाग कुछ करना चाहता है, तो आपके लिए अभी टाइम है, अपने आप को रिलैक्स कर लो, उस चीज़ की सुनो जो आपके लिए सही है और ट्रस्ट करो उस चीज़ पे। राइटिंग हो सकता है, आप राइटिंग, आप कुछ लिखते हों, आप पोएट हों, आप म्यूज़िक में हों, आप किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में हों, या किसी भी टीचिंग में हों, आप पढ़ाते हों, या अगर आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब या टीचिंग में या कुछ इस तरह से, वो भी आपको मिलेगी। टाइपिंग भी हो सकती है, बैंकिंग की जॉब भी हो सकती है, सब कुछ मिलेगा जो चाहते हैं आप, ठीक है, सब कुछ जो आपकी ड्रीम जॉब है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को फोकस करो, अपने लिए कुछ बनाओ, ठीक है। और इसका ये भी मतलब है, पेल टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अब टाइम आ गया है अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज करने का, अपने दिमाग को चेंज करने का, अपने दिल को चेंज करने का, अपने ऊपर फोकस करने का, पॉजिटिव रहने का। इवन हम जो सोच रहे होते हैं, वो भी हम यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, तो कैसे पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, कैसे कैसे मिलती हैं उन लोगों को पॉजिटिव चीज़ें। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, इन्जॉयमेंट। अपनी लाइफ को इन्जॉय करो, फन, सेलिब्रेट फ्रेंड्स के साथ, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, फन भी और वर्क भी, ठीक है। बैलेंस, दैट्स व्हाट इट इज, बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, फिर जाके वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपकी जो भी विश है वो ज़रूर आपको मिलेगी, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो लव है, चाहे वो टीचिंग जॉब है, चाहे वो वर्किंग जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, वो ज़रूर मिलेगी आपको। और आपको फन और इन्जॉयमेंट भी मिलेगा। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ बहुत बोरिंग है, तो बहुत जल्द, सिर्फ कहने से बोरिंग नहीं है, निकलिए बाहर, लोगों से मिलिए, घूमिए फिरिए, इन्जॉय कीजिए खुद। अगर आपके साथ कोई घूमने वाला नहीं है, तो खुद को लेके जाइए बाहर, खुद घूमिए, खुद फिरिए, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके लिए टैरो से क्या है। तो ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, सिक्स ऑफ वांड्स, विक्ट्री, सक्सेस, पॉपुलैरिटी, ठीक है। जो चीज़ चाहते हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, जो चीज़ भी चाहिए, सिक्स ऑफ वांड्स। अगर आपको कोई लवर चाहिए, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो लवर आने वाला है, सिक्स ऑफ वांड्स, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका साइन हो सकता है या उनका। अगर आपको किसी का वेट है, ये भी सिक्स ऑफ वांड्स है, लुक एट दिस, विक्ट्री। तो आपको तो सक्सेस ही मिलने वाली है, सक्सेस, 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 विक्ट्री, 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 हर चीज़ में, लव में, पैसे में, जो चीज़ भी चाहिए। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तब भी इन्जॉयमेंट, लाइफ, लोगों के साथ सोशल गैदरिंग्स, लोगों के साथ लिंक्स। घर बैठे कोई नहीं आएगा, सिर्फ पिज़्ज़ा वाली डिलीवरी आ सकती है घर बैठे सिर्फ पिज़्ज़ा की डिलीवरी आ सकती है, ओके। फाइव ऑफ कप्स, बिल्कुल निकलिए इस चीज़ से। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कब तक रोते रहेंगे, कब तक इस चीज़ में रहेंगे कि पास्ट को, हो सकता है आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना चाहिए, तब जाके आपको विक्ट्री मिलेगी। लाइफ में मूव ऑन कीजिए, किसी का वेट मत कीजिए। वक्त का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं, आप क्यों रुके हुए हैं किसी के लिए। अगर ये इंसान या कोई चीज़ आपकी लाइफ में मीन करती है, अगर आपका एक्स भी है, आपका पास्ट लवर भी है, अगर उसने वापस आना है तो वो आएगा। आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों यहाँ पे वेट कर रहे हैं उसका, आप क्यों अपनी लाइफ को स्टक ऑन कर रहे हैं। मूव कीजिए लाइफ में, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, अपनी लाइफ, अपनी खुशियाँ क्रिएट करिए अपने लिए। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में मीन करता है, चाहे वो एक्स है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो न्यू लव है, जो भी मिलना है आपको वो मिलेगा, वही मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में एक्स नहीं है, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं देना गॉड ने, तो नहीं मिलेगा। चाहे आप जितना रो लीजिए, चाहे आप जितना वेट कर लीजिए, चाहे आप जितना कोशिश कर लीजिए,
ठीक है, लेकिन अगर है और आपको ट्रस्ट है, आपको होप है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप अपना काम भी जारी रखिए, किसी का वेट मत कीजिए, अपनी लाइफ को भी मूव ऑन कीजिए, तब आपको रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दहन में, बिल्कुल वीरगो एनर्जी, तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को हील कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपको अपनी विक्ट्री पहले वो करनी है, अपने आप को हील करना है, अपनी विक्ट्री आपने खुद अपने आप को वो करना है। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, मतलब आपका घूमना फिरने को दिल नहीं चाहता है बाहर लोगों से, तो अब टाइम आ गया है दुनिया में वो चीज़ें करो या अपनी लाइफ में वो चीज़ें करो तो शायद आपने पहले कभी नहीं की। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो एक्स्ट्रोवर्ट हो जाओ, अगर इंट्रोवर्ट हो तो एक्स्ट्रोवर्ट हो जाओ, बाहर घूमो, लोगों के साथ लिंक्स रहो, फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, और अपनी इस टेंशन से निकलो। और हमें अगर आप एक्स्ट्रोवर्ट हो, हमेशा घूमते फिरते रहते हो हमेशा, ठीक है, और बाहर ही रहते हो, तो आपके लिए शायद ये मैसेज है कि आप इंट्रोवर्ट रहो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करो, थोड़ा सा अपने आप को हील करने की भी कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम अलोन भी गुजारो, कुछ क्रिएटिव वर्क भी करो अपने लिए, थोड़ा सा टाइम अपने साथ भी गुजारो और बैठ के सोचो क्या करना है आगे, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। तो आपके लिए जो भी फैसला होगा या जो भी आपने करना है, टाइम बताएगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, यही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और सक्सेस आपको मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, और आप सिचुएशन से निकलेंगे। लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, करना भी है, करके दिखाना है, करना नहीं है करके दिखाना है कि यस, फिर आपको वो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय, गॉड ब्लेस यू।